वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपके सामने एक नोटिस खुला हुआ है CEN 2 2018, यानी कि ये ग्रुप डी 2018 की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक नोटिस है। ये नोटिस आई है RRCER, यानी कि RRC ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। तो इसमें सिर्फ ये दोस्त ये कहा गया है कि कुछ नाम्स दिए गए हैं, टोटल लिस्ट दिए गए हैं, टोटल 81 स्टूडेंट्स के, जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो इसमें रिगार्डिंग ये दिया गया है कि इन लोगों को 3 बार मौका दिया गया री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली जिनका हुआ था, लेकिन ये एब्सेंट कर गए थे, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहे थे, ठीक है। तो फिर से इनको मौका दिया गया और 3 बार मौका दिया गया, 3 बार मौका दिया गया। देखिए, सबसे पहले जो आपका मौका था, यानी कि जो नॉर्मल मौका था, वो था 30/4 से लेकर 22/2005 के बीच में। उनका एक डेट आया होगा, उस दिन उनको बुलाया गया होगा, ठीक है। अब वो उस दिन नहीं कर पाया अटेंड, ठीक है। जो थे उनको फिर कॉल किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे कि 21/22 को था अल्टरनेटिव डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद उनको 25 को भी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया 10 डे, और फिर उनको 14/6 को बुलाया गया, सॉरी 26/6 को बुलाया गया, ठीक है, यानी कि 26 जून को। तो 3 बार मौका दिया गया, और टोटल इस जो मौका देने में टोटल 1 मंथ का टाइम लगा, ठीक है, 1 मंथ का टाइम उनको लगा। तो अगर जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनका पैनल लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आया है या ज्वाइनिंग नहीं आया, जैसे कि अगर हम देख लिया जाए तो अभी तक भोपाल हुआ, फिर चंडीगढ़ हुआ, कोलकाता हुआ, भुवनेश्वर हुआ, गुवाहाटी हुआ, और भी कई सारे हैं जिनका अभी तक ना पैनल आया है ना ज्वाइनिंग आया है। तो उनका रीज़न क्या है, सबसे बड़ा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या रीज़न है जो इतने दिनों से नहीं आ रहा है। तो देखो, इसका साफ साफ रीज़न है क्या, जो एब्सेंटीज थे या किन्हीं को कुछ इशूज़ था, उसका इशू को रिजॉल्व कर दिया जा रहा है। जब सारे बच्चों का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तभी एक फाइनली पैनल फिर लाया जाएगा। हो सकता है कि पैनल ना लाएँ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ला लें, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे जो है आपका, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपका पैनल नहीं आते हुए आपका ज्वाइनिंग आ जाए आपको। जैसे कि अभी भी PWBD का जो आया है, उसमें डायरेक्ट उनको पोस्ट और डिवीज़न देखने को मिल रहा है, तो उनका ज्वाइनिंग ही आएगा, पैनल लिस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्लियर कर देंगे, और हो सकता है कि एक ही पैनल आए या डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली क्या ज्वाइनिंग आ सकती है, क्योंकि 12 सितंबर तक इन लोग को सारा फाइनलाइज कर लेना है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों ये रीज़न रहा है, ताकि ये आप लोग को जस्टिफाई हो जाए कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। इसका टाइम लगने का सबसे खास रीज़न यही है कि दोस्त इतने दिनों से जो एब्सेंटीज थे उनका हो रहा है, और इन लोगों का प्लानिंग होगा शायद एक ही पैनल निकालने का या एक ही बार ज्वाइनिंग निकालने का। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली जो है आपका सब बच्चों का वेट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने पैनल 1 पैनल 2 करके निकाला, तो वो इसलिए निकाला होगा कि जितने बच्चों का क्लियर हो गया, जितना मेरे को फाइनल है कि हाँ इनको तो देना ही देना है, तो उनको पैनल 1 में डाल के और नोटिस निकाल दिया। उसके बाद जो बच्चे बचे थे उनका होते गया, तो फिर पैनल 2 में दे दिया, इस तरह से कर दिया। लेकिन इन लोगों का प्लानिंग कुछ और होगा, इन लोगों को होगा कि डायरेक्ट मुझे एक ही बार में सारे बच्चों को डिसाइड करना है, तो इसीलिए इन्होंने इतना टाइम लगाया। लेकिन अब फाइनली देख सकते हैं कि आपका 25 को, यानी कि 1 सप्ताह लगाया लगभग, मान के लिए 1 सप्ताह मैं बोलूंगा, मोटा मोटी 1 सप्ताह इन्होंने डिसाइड करने के बाद आपको फाइनली आपको दे दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कब आपका आने वाला है, तो एक ही आप कारण कर सकते हैं कि आप पता किए अपने RRB से अगर कि वहां पे फाइनली जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारे बच्चों का हुआ है या नहीं, एब्सेंटीज का हुआ है कि नहीं। फाइनल अगर हो गया है, तो फिर विद इन 1 वीक आप कोई ना कोई नोटिस आपके रिगार्डिंग आ जाएगा कि पैनल आएगा, ज्वाइनिंग आएगा, क्या आएगा। जैसे कोलकाता में आ गया, कोलकाता को तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि उनका ही नोटिस है, और यहाँ पे उन्होंने फाइनल कर दिया कि इतने बच्चों का कैंडिडेचर कैंसिल है। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है उन बच्चों के लिए, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, कि आप देख सकते हैं आपके सामने 81 बच्चों को छाट दिया गया डायरेक्ट, ठीक है, और काफ़ी सारे ज्वाइनिंग के बाद भी छटेंगे। तो वेटिंग लिस्ट आना तय है, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर का जरूर आएगा, और वो सारे जोन में जरूर आता है, 100% मान के रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि एब्सेंटीज ऑन वेयर कि स्पीड पोस्ट के थ्रू भी उनको इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी नहीं रीच किए। तो हो सकता है कि ये इसलिए नहीं भी आए ना, इनका जॉब ऑलरेडी कहीं ना कहीं लग गया होगा इससे बेटर जगह पे, तो इसलिए वो उन्होंने मिस करना ही ज़्यादा समझदारी से समझी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्या रीज़न है इतना लेट हो रहा है डॉक्यूमेंट सॉरी पैनल लिस्ट आने में। काफ़ी सारे जोन्स का आपको बता दिया, चंडीगढ़ हुआ, जबलपुर हुआ आपका, फिर फॉर एग्जाम्पल आपका कोलकाता हुआ, भुवनेश्वर हुआ,
आपका गुवाहाटी हुआ, भोपाल हुआ, जयपुर हुआ, इन सब का भी आने अभी तक आया नहीं है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इनका भी अब जल्द से जल्द आ जाएगा। विद इन 1 वीक आपका टाइम हो सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, 1 वीक लेंगे, उसके बाद वो लोग पैनल या ज्वाइनिंग जो है डायरेक्टली आपको दे देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक ज़रूर से ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जो एक मिथ है और जो परेशानी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनका ये डाउट क्लियर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।